सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन वाइल्ड लाइफ एंड वेलकम टू द वाइल्ड। तो आज हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व आए हैं एली नदी और ईश्वर भैया के साथ। तो ये आज हमारी आज की गाड़ी है, इसको टाटा योद्धा कहते हैं। और हमारे गाइड भी हमारे गाइड मोहम्मद आमिर खान। तो भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर खान। मोहम्मद आमिर खान निजात अली भाई। हाँ भाई सर, तो इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व कितना बड़ा है भैया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को घोषित हुआ है। लगभग 73,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 730 स्क्वायर किलोमीटर, 5 रेंजों में बटा हुआ है। माला रेंज, महोफ रेंज, बराही रेंज, हरिपुर रेंज, दियोरिया रेंज। टूरिज्म के लिए 2 रेंज हैं, एक महोफ रेंज, एक बराही रेंज। ये महोफ रेंज है, आगे से बराही रेंज भी लगता है। एक शिफ्ट में एक ही रेंज में जाते हैं। अच्छा, टोटल रन हमारा रहेगा 35-40 किलोमीटर के बीच। अच्छा, अभी हम लोग टाइगर रिज़र्व आए हैं पीलीभीत चूका बीच, जिसमें हम लोग अभी जंगल सफारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें घूम चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद, शहर के चकाचौंध से दूर आने के बाद, ऐसा लगता है बहुत शांति से आपको महसूस होती है, और बहुत शांति आपको ऐसा लगता है आप कुछ काम के लिए आए हो, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आए हो, जैसे कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहें, कुछ नॉलेजेबल वीडियो बनाना चाहें, तो आप उन सब चीज़ों को भूल करके बस आपको ऐसा लगता है बस अब हम यहीं पे बस जाएं। और बस इन हवाओं में एक ऐसी मतलब कि जादू सा है कि बस आपके दिमाग को बिल्कुल शांत सा कर देता है, और आपको कुछ बोलने का दिल नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंडिया का लेक भी है, ठीक है, जिसको कच्चा लेक, कच्चा ओशन कहते हैं। और यहीं पे अंदर में इस जंगल सफारी के अंदर में कुछ दुकान भी, शॉप्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ के कपड़े और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और हमने यहाँ पे एक गाइड भी हायर किया है, जिनका नाम मोहम्मद आमिर खान है। और चलिए बात करते हैं मोहम्मद आमिर खान जी से। आइए आमिर जी, कैसे हैं? आमिर जी, आप यहाँ कब से हैं? मैं 2017 से हूँ। 2017 से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा क्या यहाँ की खासियत है जो कि जब से ये टाइगर रिजर्व कहलाता है? ये फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को हुआ है। यहाँ 2014 के आसपास बहुत कम संख्या में टाइगर हुआ करते थे, लगभग 15-20 टाइगर हुआ करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टाइगर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं उनको टाइगर देखने की इच्छा होती है, तो वो यहाँ आते हैं, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। अभी 8 महीने पहले ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड इसलिए दिया गया है, जो टारगेट 2022 में कंप्लीट होना था वो 2018 से 2020 में ही कंप्लीट हुआ है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं अभी जो एट प्रेजेंट अभी कितने टाइगर की संख्या होगी यहाँ पे? यहाँ 2018 से 20 की काउंटिंग के अनुसार 65+ में टाइगर हैं। अभी 2022 में रिकाउंटिंग हुई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, मतलब 65+ यहाँ पे टाइगर्स हैं। उम्मीद है 85 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अभी रिजल्ट आने में टाइम, अभी रिजल्ट आने में टाइम है। जो 2022 के रिजल्ट है वो अभी तक आए नहीं है, इससे 80+ आने की संभावना है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व है, बहुत सारे ऐसे जंगल सफारी है, ये इतना जल्दी कैसे फेमस हो गया? क्योंकि यहाँ टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बहुत जल्दी, और इसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इसलिए ज़्यादा फेमस। अच्छा, और यहाँ आसानी से टाइगर साइटिंग हो जाती है। अच्छा, आसानी से टाइगर साइटिंग हो जाती है। जैसे आपने जाना कि यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की आबादी बहुत ज़्यादा है, और उस पर सरकार भी और लोग भी बहुत अच्छे से ज़ोर शोर से ध्यान दे रहे हैं, इस वजह ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। फर्स्ट वी आर कमिंग इन द टाइगर रिजर्व, सो वी हैव टू नो फर्स्ट कि वाई टाइगर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड फॉर आवर एटमोसफेयर एंड फॉर द नेचर। और भी बहुत सारे जंगल में जानवर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्यों हम यहाँ पे सिर्फ टाइगर की बचाने की बात कर रहे हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे आमिर जी से। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतने सारे जंगल में जानवर होते हैं, लगभग सारे जानवर देखे जाते हैं, सारे सारे जानवर पाए जाते हैं, तो हमें एक्चुअली मतलब कि टाइगर को ही क्यों प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? जी, टाइगर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसे ये होता है कि पहले बहुत कम संख्या, बहुत ज़्यादा टाइगर हुआ करते थे, जिससे जंगल भी ठीक तरीके से था, और टाइगर की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए 1973 में ये टाइगर जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि सभी जगह टाइगर की संख्या बढ़ाई जा सके, क्योंकि जंगल में अगर टाइगर नहीं होंगे तो और दूसरे जानवर भी नहीं रहेंगे जंगल में, क्योंकि मानव एक्टिविटीज़ करेंगे जंगल में, आके पेड़ काटेंगे, लकड़ी ले जाएंगे या
तो जंगल को नष्ट कर देंगे धीरे धीरे। टाइगर होंगे तो डियर्स भी बढ़ेंगे और भी जानवर बढ़ेंगे, जंगल है तो मतलब सीधे सीधे ये कहना है कि जीवन है, टाइगर है तो जीवन है। डैट मीन ये कि हम लोग इंसान इस तरीके से मतलब कि हम जानवरों के साथ इतना ज़्यादा इस तरीके से सलूक करते हैं कि अगर हम धीरे धीरे अगर इतने डेंजरस जानवर नहीं रहेंगे तो हम लोग धीरे धीरे सारे जंगल काट देंगे। टाइगर के डर से हम लोग मतलब नहीं काटते हैं और बाकी के भी जानवर प्रिजर्व रहते हैं। तो ये था हमारा मतलब फूडिंग चेन होती है, दिस इज जस्ट कॉल्ड अ फूडिंग चेन। लेट्स गो। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, दिस फ्रेम इतना खूबसूरत सा बना हुआ है। देयर स्वान कॉक एंड दिस ऑल द थिंग्स आर एंड टाइगर इज ऑल्सो हेयर। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। सो बियर इज ऑल्सो, पूरी पेंटिंग आप देख सकते हो, ये पीलीभीत के अंदर का फ्रेम है और यहाँ पे पेंटिंग्स पे भी उतने ही अच्छे से काम किया गया है जितने अच्छे से जंगल के बाहर ये लोग एनिमल्स पे काम कर रहे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा एलिफेंट्स है यहाँ पे, कितने अच्छे नेचर को दर्शाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे खास करके यात्रियों का अच्छे से, टूरिज्म का अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे एसी भी लगा रखा है इन्होंने ताकि आने जाने वाले लोगों को ज़्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े और वो अच्छे से अपने अपने टूरिज्म को अच्छे से एंजॉय करें, अपने सफ़र को यादगार बनाए। यहाँ पे कितना प्यारा सा टाइगर है, बियर है, चीता है, दिस ऑल आर सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे और भी कुछ पिक्चर्स हैं टाइगर्स के, यू कैन सी हियर दिस ट्री। ये मतलब कि पूरा गोल से होके जा रहा है बट मुझे ये समझ नहीं है यार कि यहाँ पे कुछ डियर हैं, ये इस तरीके से बनाया क्यों गया है, लेकिन जो भी है बहरहाल बहुत खूबसूरत है। अभी हम मौजूद हैं सादर सागर डैम पे और इसको चूका बीच भी कहते हैं। चूका बीच इसको क्यों कहते हैं, पहले ये पिकनिक स्पॉट भी था और यहाँ 2002 से पहले यहाँ पे लोग मतलब कि टाइगर रिजर्व बनने से पहले यहाँ पे लोग पहले पिकनिक स्पॉट के तरह इसको यूज़ करते थे। और यहाँ के बारे में इसे ज़्यादा जानने के लिए मैं आमिर जी से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि इसको ऐसा और चूका बीच क्यों कहते हैं और इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये शारदा सागर डैम पहले से था, इस जगह पर पिकनिक स्पॉट के रूप में 2002 में इसको बनाया गया है। इसको चूका बीच भी बोला जाता है। ये चूका बीच इसलिए बोला जाता है, साइडों से रेत हो जाती है, पानी कम हो जाता है तो बीच जैसा नज़ारा हो जाता है यहाँ का, इसलिए इसको चूका बीच बोला जाता है। इस डैम की लंबाई 22 किलोमीटर है और चौड़ाई कहीं 4.5 किलोमीटर है, कहीं 5.5 किलोमीटर। आगे साइड से नेपाल बॉर्डर आ जाता है, यहाँ 35 किलोमीटर नेपाल है। और यहाँ बोटिंग भी की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे गेस्ट जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, यहाँ बोटिंग भी होती है। और यहाँ नाइट स्टे के लिए 4 थारू हट हैं, 1 बैम्बू हट, 1 ट्री हट। बैम्बू हट सामने पानी में है, ट्री हट इधर है और थारू हट ये सामने किनारे पर हैं। और अगर इस बीच में सागर जी, ये सागर इतना ज़्यादा गहरा है, इसमें कोई क्रोकोडाइल या कोई मगरमच्छ इसकी कोई डर नहीं है, ये कोई संभावना? क्रोकोडाइल्स वगैरह तो है, ये बड़ा मोटर बोट है, इस पर कोई दिक्कत नहीं होती, हमला नहीं करते हैं जी। क्रोकोडाइल्स तो बहुत सारे हैं, इसमें मछलियाँ भी बहुत हैं। तो ये बहुत रेस्क्यू बोट भी हैं यहाँ पर 2-3 रेस्क्यू के लिए। ओके, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ओके, तो मतलब कि आपका कहना का मतलब है कोई भी मगरमच्छ या क्रोकोडाइल या फिर कोई भी बोटिंग करने के लिए, राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं वो हमला नहीं करते हैं, मतलब कि आज तक ऐसा कोई भी कोई घटना नहीं हुई है। चलिए शुक्रिया। सबसे मज़ेदार बात, मज़े वाली बात ये है कि यहाँ पे आप नॉर्मल गाड़ियों से नहीं है, यहाँ आने के लिए आप इन आपको ये गाड़ियाँ लगती हैं और ऐसी गाड़ियाँ लगती हैं। ये दो तरह की गाड़ियाँ हैं जिससे आप आ सकते हो ये इस टाइगर रिज़र्व में। और यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों से अगर आए हो दिल्ली,
कहीं से भी इस जगह पे घूमने के लिए आए हो, यहाँ पे पार्किंग भी है, पार्किंग दे रखा है इन्होंने अपना, और उसके बाद इस जंगल में घूमने के लिए हमें इन दो गाड़ियाँ ही लगती हैं। वो इसलिए लगती हैं क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ एनिमल से बहुत अवेयर हैं, और इन गाड़ियों से हम जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी इन गाड़ियों को बहुत सालों से देख रहे हैं, और इन गाड़ियों से पे वो ज़्यादा हमला नहीं करती, कोई अटैक नहीं करती। अगर आप खुद की गाड़ियों से जाते तो अटैक करती हैं। हमारे साथ यहाँ पर दो लोग आए, हमारे एक गार्ड हैं मिस्टर आमिर जी, और एक हमारे ड्राइवर हैं, जो कि ये दो लोग आपको मिलते हैं इस सफ़र में। चलिए बात करते हैं आमिर जी से। जी मतलब कि इसको जैसे कि हम जानते हैं कि आने से पहले हमें बुकिंग करनी पड़ती है जिस पे हमें ये गाड़ी मिलती है, ठीक है, और अगर ऑफलाइन भी हम आते हैं तो अगर गाड़ी खाली होती है तो हमें मिल जाती है। बाकी के आगे चीज़ें और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो छूट रही हो, जो हमें बताना रह रहा हो? यहाँ आने से पहले तो गाड़ी चेक कर लेना चाहिए कि अवेलेबल होगी या नहीं होगी, इसके लिए या हमारे बुकिंग काउंटर का संपर्क कर लेना चाहिए, और ऑनलाइन भी चेक कर लेना चाहिए। ऑनलाइन साइट है www.upecotourism.in, इस पर जाकर www.upecotourism.in, ठीक है, हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको चेक कर लेना चाहिए कि गाड़ी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, और यहाँ से फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा कि ऑफलाइन में हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर गाड़ियाँ मिलती हैं तो ठीक है, तो फिर आपको हमारे मेन कैंपस मुस्तफ़ाबाद आना होगा, ये पूरनपुर टू खटीमा रास्ते पर है, यहाँ आकर हमें गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे मतलब कि यहाँ आने के बाद ऐसा कोई असुविधा होती हो या कुछ ऐसा? बहुत से पर्यटक ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें असुविधा हो जाती है, क्योंकि हॉलीडेज़ में यहाँ काफ़ी सारी भीड़भाड़ रहती है, होलीडेज़ में भीड़भाड़ होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, ऑलरेडी पहले से ही बुक हो जाती हैं, तो उन गेस्टों को असुविधा होती है। और यहाँ पे कैमरा लाना अलाउड है या फिर कुछ सी मतलब कि सारी चीज़ें, जैसे कि हैं कुछ लोग होते हैं जैसे शूट करना चाहते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होते हैं, इन सब चीज़ों का गवर्नमेंट अलाउंस करती है या इन चीज़ों का क्या है? नॉर्मल फोटोग्राफी तो अलाउ की जा सकती है, अगर कमर्शियल फोटोग्राफी है तो उसके लिए हमारे डीडी साहब से एक लेटर लिखवा कर लाना होता है, उनकी परमिशन के बिना नहीं होगा। उनके परमिशन के बिना नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये आप कपड़े पहनते हैं, ये जानबूझ के सारे मतलब कि ये हमारा एक ड्रेस कोड होता है। अच्छा, ताकि जंगल से मैच करता रहे, और हम लोगों को जानवरों में कुछ ज़्यादा भड़काऊ कपड़े पहनने से जानवर अटैक करते हैं, इसलिए भड़काऊ कपड़े ना हो हमारे। अच्छा, तो मतलब कि जानबूझ के ऐसे ड्रेस कोड आप लोग फॉलो करते हैं कि ताकि जानवर अगर दूर से देखे भी तो अटैक ना करे। हाँ, उसको जंगल के ही लगे ग्रीन, इसलिए ग्रीन। अच्छा, तभी जंगल के लगे ग्रीन, ठीक है। और आने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ आने से पहले हम लोग गाड़ी चेक करते हैं, जैसे कि गाड़ी में ड्रिंक ना हो, कोई शस्त्र ना हो, हथियार वगैरह ना हो, ये सब हम लोग चेक करके, ताकि जानवर को कोई किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके, हम चेक करके लाते हैं। अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें मिलती है, कोई एनिमल्स, कोई पेट वगैरह हो, डॉगी वगैरह, ये लाते हैं, ये हम लोग मना कर देते हैं, कोई नहीं लाता है। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, समझ आया कि यहाँ पे हमें पेट अलाउड नहीं है, और हमें ज़्यादा भड़काऊ कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे अपना मतलब कमर्शियल वे में आप अगर शूट करना चाहते हो तो वो अलाउंस नहीं है, उसके लिए हमें लेटर एक लिखवाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट साहब से, हमें एक लेटर लिखवाना पड़ता है। ये सारी यहाँ के इन चीज़ों को फॉलो करके आप ऐसे आ सकते हैं, और इसी के साथ देखते रहिए, और हमें जो भी चीज़ें लगेंगी हम आपके साथ ज़रूर नॉलेज शेयर करेंगे। तो अभी एक साइटिंग पे हैं, यहाँ से बैकग्राउंड में शायद आपको ना दिखे, हॉक डियर्स हैं बहुत सारे, और हमारी गाड़ी जो है वो इस साइड पे है। अभी तक जंबर के एकदम कोर जोन पे हैं, ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं काफ़ी ऊपर एरियाज़ में हूँ, और यहाँ पे पूरा ग्रासलैंड दिख रहा है इस पोजीशन में, देखो पूरा ग्रासलैंड है। मैं आपको हॉक डियर्स दिखाता हूँ, अगर दिखते हैं सही से कि नहीं, ये देखो, ये सामने देखो कितने सारे हॉक डियर्स हैं ये, और वहाँ पे अकेले वाइल्ड बोर है, वो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और क्या मिलता है। नीचे दीदी है, एलिना दी। तो दीदी कैसा लग रहा है इतना? प्रिटी, वेरी पीस आउट ऑफ द वर्ल्ड।
वो वाइल्ड बोर एक्सपीरियंस बताओ दी, कैसा लग रहा है इधर? इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। काफी ऊपर हैं हम लोग एक्चुअली, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसी भी दुनिया होती है। ये है वाइल्ड लाइफ। वी कैन नॉट, हम लोग अपनी फीलिंग है ना वर्ड्स में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करो। और वो हमारी गाड़ी उधर फिर से है, वहाँ पे हमारे गाइड और हमारे ड्राइवर उधर पे हैं। तो दीदी अभी चलें नीचे? लेट्स गो। चलो चलते हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, यहाँ से नीचे से आ चुके हैं। ये हमारी गाड़ी इधर है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो आगे तरफ चलते हैं, यहाँ पे खड़ा होना ठीक नहीं है, तो चलते हैं। चलें? चलो।